बिहार का महापर्व छठ पूजा आ चुका है। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना कहलाता है, जिसमें प्रसाद के रूप में मुख्यतः रसिया प्रसाद बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें, उससे मेरे न्यू वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। खरना का प्रसाद रसियाव बनाने के लिए हम यहाँ पे 80 ग्राम अरवा चावल लेंगे। आप यहाँ पे गोविंदभोग चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसे एक बोल में डाल करके इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम, और इसे अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। इस स्टेप को करना ज़रूरी है ताकि इसके अंदर का जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाए। फिर इसका पानी को छान करके इसमें फ्रेश पानी डाल करके इसे भिगो करके 2 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए और जब हम खीर बनाएं तो वो फटाफट बन के तैयार हो जाए। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप। गुड़ का खीर या रसियाव बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम गुड़। ये देखिए मैंने यहाँ पर गुड़ को बारीक टुकड़ों में काट लिया था। ये देखिए इस तरह का गुड़ आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसे आपको बारीक टुकड़ों में काट लेना है। फिर हम इसमें डालने के लिए कुछ सूखे मेवे का इस्तेमाल करेंगे, बादाम, काजू, इन दोनों को मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही में साबुत इलायची 3 से 4, किशमिश 10 से 15। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब एक कढ़ाई में हम 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क डालेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम कर देंगे। दूध में 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही दूध में 1 उबाल आएगी फिर हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे चला लेंगे। तो बस इस तरह से चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे भिगो के रखे हुए चावल को। तो यहाँ पर देख सकते हैं चावल अच्छे से फूल चुका है। अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो आप 2 घंटे के जगह पर इसे 15 मिनट के लिए भिगो के रख सकते हैं। अब हम इसे उबले हुए दूध में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे चावल को मैंने डाल दिया दूध में। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे पकने देंगे धीरे धीरे। हर 2-2 मिनट में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई के तले में चिपके ना और जले ना। वैसे तो छठ के लिए बनने वाली खीर को चूल्हे पर आम की लकड़ी के आंच पर बनाया जाता है, और यही वजह है कि इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है और इसमें एक सौंधी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है मुझे चावल को पकाते हुए। अब इसे चेक करते हैं कि चावल पकी है या नहीं। तो कलछुल में हम थोड़ा सा चावल लेंगे और इसे अपने हाथों से इस तरह से मसल के चेक करेंगे। अगर जो चावल हमारे हाथ में मसल जाए तो इसका मतलब चावल हो चुका है। अब इसमें हम हमारे बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि सूखे मेवे और इलायची का पाउडर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कटे हुए काजू को मैं डाल रही हूँ, कटे हुए बादाम को डाल रही हूँ, किशमिश डाल रही हूँ और जो साबुत इलायची था उसका पाउडर बना के इसमें डाल रही हूँ। अब इन सभी सूखे मेवे और इलायची के पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। 1 मिनट के बाद हमारी खीर ऑलमोस्ट 90% बन के तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अभी हम एक पैन लेंगे, उसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, फिर इसमें ये कटे हुए गुड़ को ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रख करके इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करना है जब तक कि गुड़ पानी में अच्छे से घुल ना जाए। तो यहाँ पे गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का ठंडा हो जाने देंगे। फिर हम इसे ऐड करेंगे खीर में। थोड़ी देर के बाद गुड़ का घोल हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसे ले चलते हैं खीर में डालने के लिए। तो यहाँ पे एक छन्नी का इस्तेमाल करेंगे हम। तो आपके पास जो भी छन्नी हो घर में उसे लें और ये जो गुड़ का घोल है इसे इस तरह से छान करके डालें। ऐसे करने से गुड़ के अंदर जो भी छोटे मोटे कंकड़ होंगे वो निकल जाएंगे और जो खीर हमारे बनके तैयार होगी वो शुद्ध और मुलायम बनके तैयार होगी। जब कभी आप गुड़ का खीर बनाएं तो आप खीर पहले बना लें, उसे हल्का ठंडा कर लें और इसी तरह से गुड़ को पानी में डाल करके उसे गला लें उसे, और फिर उसे ऐड करें खीर में। इस तरह से आपकी खीर के फटने की चांसेस बहुत ही कम होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी परफेक्ट गुड़ का रसियाव बनके तैयार है। चलिए इसे फटाफट सर्व कर लेते हैं।
खरना का प्रसाद रशियाव बनाने के लिए चावल, दूध और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। चावल दूध चंद्रमा का प्रतीक है और गुड़ सूर्य का प्रतीक है। तीनों के मिश्रण से बनी खीर को रसियाव कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसको खाने से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बताए गए इस रेसिपी को आप अपने घर इस छठ पूजा के त्यौहार पर ज़रूर ट्राई करके बनाएं। आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने आपको बताया है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक छोटा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।